एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो आज मेरे पास ये प्लेट्स देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। जुगाड़ करती रहती हूँ तो इन प्लेट्स पे आज मैं पेंटिंग करने वाली हूँ और साथ ही साथ इनके लिए स्टैंड भी बनाऊंगी। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं कुछ इस तरीके की प्लेट्स लेके आई हूँ जो आगे से तो बिल्कुल ठीक हैं बट पीछे से थोड़ी सी टूटी हैं या फिर क्रैक्ड हैं। इन छोटे मोटे गैप्स को हम वॉल पुट्टी की हेल्प से फिल कर सकते हैं और पीछे की साइड ये पता भी नहीं चलेगा क्योंकि हम आगे की साइड पेंटिंग करेंगे। तो अब इन प्लेट्स पे मैं जेसो अप्लाई कर दे रही हूँ, और क्योंकि इसका बेस ऑलरेडी वाइट है तो हमें सिर्फ एक कोट ही अप्लाई करने की ज़रूरत है। और जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब ये प्लेट्स पेंटिंग के लिए रेडी हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट प्लेट से। तो सबसे पहले मैं इस पे पेंसिल से कुछ सेमी सर्कल्स इसके साइड्स में ड्रॉ कर ले रही हूँ। और जैसो अप्लाई करने का ये फ़ायदा है कि आप आराम से इस पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप जैसो नहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह एक्रीलिक वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो वीडियो के टाइम बेल बज जाती है ना, ये पता नहीं क्यों इसी टाइम बजनी होती है, बट आप लोग इतने अच्छे हो कि इन छोटे मोटे डिस्टर्बेंस को हमेशा ही इग्नोर कर देते हो और अपना सारा फोकस वीडियो पे ही रखते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं इन सारे जो सेमी सर्कल्स हमने बनाए थे उसके अंदर मैं कलर फिल करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ करते हुए इसको पेंट कर रही हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इसमें ब्रश के स्ट्रोक्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने इस पे दो कोट अप्लाई किया था जिससे कि ये स्ट्रोक्स दिखाई ना दें। एंड इसी तरह से मैं सारे एलिमेंट्स को एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट कर लूँगी। तो मैंने इन सारी प्लेट्स को कुछ इस तरीके से पेंट किया है कि ये थोड़ी सी ट्रेडिशनल लगें, साथ ही साथ इनको थोड़ा सा मॉडर्न लुक भी मैंने देने की कोशिश की है। तो कुछ इस तरीके के मैंने पैटर्न्स बनाए हैं। तो सारे एलिमेंट्स फिल करने के बाद अब हमें ब्लैक एक्रीलिक कलर लेना है, और यहाँ पे मैंने 00 साइज़ का ब्रश लिया है और इसी की हेल्प से अब मैं इसमें कुछ डिटेल्स ऐड करूँगी, कुछ पैटर्न्स वगैरह इसमें बना रही हूँ। तो जैसे हम मंडाला आर्ट में पैटर्न्स बनाते हैं, कुछ उसी तरह के पैटर्न्स बना के मैंने इन सारे सेक्शंस को फिल किया। और मैंने ये सारा काम सिर्फ ब्लैक कलर से ही किया है। आप इसकी जगह चाहें तो कोई परमानेंट मार्कर ले सकते हैं या ब्लैक माइक्रोन पेंस ले सकते हैं और उसकी हेल्प से ये पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। उससे काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन जो एक्रीलिक कलर से है उससे फिनिशिंग जो फाइनल लुक आता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। वरना आपको जो इजी लगता है आप उसके साथ जाइए। तो कुछ इस तरीके से मैंने सब में आउटलाइनिंग दे दी है और पैटर्न्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट में मैं एक गोल्डन मार्कर ले रही हूँ। आप इसकी जगह गोल्डन एक्रीलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड प्लेट को पेंट करना। तो इस प्लेट पे मैंने जेसो अप्लाई नहीं किया था, इसलिए मैं इस पे एक स्केच पेन की हेल्प से कुछ फ्लावर्स बना ले रही हूँ। तो मुझे इस पेंटिंग में ऐसा ही वाइट शाइनी बैकग्राउंड चाहिए था, इसलिए मैंने इस पे जेसो अप्लाई नहीं किया, क्योंकि जेसो अप्लाई करने के बाद ये जो शाइनी सा बैकग्राउंड है बेस में ये चला जाता। तो इसकी वजह से मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया और मैं डायरेक्टली इसे पेंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आजकल ब्लू पॉटरी काफ़ी ट्रेंड में है। आजकल क्या ये हमेशा से ही ट्रेंड में रही है, तो मैंने सोचा कि इसे ही मैं पेंट करती हूँ। इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ दो कलर्स का यूज़ कर रही हूँ, एक रॉयल ब्लू कलर और एक थोड़ा लाइट ब्लू कलर लिया है मैंने। तो बस इन्हीं दो कलर्स को यूज़ करते हुए हम सारे पैटर्न्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं फ्री हैंड ड्राइंग ही कर रही हूँ, और इसको मैंने काफ़ी सिंपल रखा है कि आप आराम से इसको बना सकते हैं। सिंपली मैंने कुछ फूल बना दिए, कुछ पत्तियाँ और बेल, और इसी तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। एंड जो इसका एंड रिज़ल्ट था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जहाँ भी स्पेस है मैं वहाँ पे इस तरह की बेल बना ले रही हूँ और उनमें पत्तियाँ ऐड कर दे रही हूँ। लास्ट में जो थोड़ी बहुत खाली स्पेस बचेगी वहाँ पे भी मैंने कुछ छोटे छोटे फूल और कुछ पैटर्न्स वहाँ पे ऐड कर दिए। अब लास्ट में मैं इसके बॉर्डर को भी पेंट करूँगी। तो सबसे पहले मैं लाइट ब्लू कलर से पेंट कर रही हूँ,
और यहाँ पे मैं बीच बीच में भी लाइट ब्लू कलर से कुछ पैटर्न्स बना दे रही हूँ जहाँ पे भी खाली स्पेस है, क्योंकि अगर आप ब्लू पॉटरी देखेंगे तो वो भी काफ़ी ऐसे भरा भरा सा होता है, इसलिए मैंने इसको कम्प्लीटली जहाँ भी खाली स्पेस थी उसको फिल कर दिया अलग अलग पैटर्न्स बना के, और सारे मैंने फ्री हैंड ड्राइंग ही की है। अब लास्ट में मैं डार्क ब्लू कलर से इसका एक दूसरा बॉर्डर बना दे रही हूँ, और यहाँ पे मैंने दो कोट्स अप्लाई किए हैं। अब अगेन हम अपना गोल्डन मार्कर लेंगे और कुछ छोटे छोटे डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैंने इसके बॉर्डर पे गोल्डन कलर अप्लाई किया और फ्लावर्स के बीच में छोटे छोटे डॉट्स वगैरह बना के मैंने इसको कम्प्लीट कर लिया है। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी थर्ड प्लेट की तरफ। तो इसको मैं येलो कलर से पेंट कर रही हूँ, तो मैंने लेमन येलो कलर लिया है और एक स्पॉन्ज की हेल्प से कलर को प्लेट पे स्प्रेड कर लिया है, क्योंकि ब्रश की हेल्प से करने से ब्रश के स्ट्रोक्स काफ़ी ज़्यादा विजिबल होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज का यूज़ किया है। अब मैंने पेपर को कट करके इस तरह का एक छोटा सा कटआउट निकाल लिया है और अब इसी की हेल्प से मैं शेप को पूरी प्लेट पर ट्रेस कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है इसे मुगल प्रिंट कहते हैं, और ये भी ज़्यादातर ब्लू कलर में ही देखने को मिलता है, लेकिन ब्लू कलर मैं ऑलरेडी एक प्लेट पे कर चुकी थी, तो यहाँ पे मैं इसको वाइट और येलो के साथ कॉम्बिनेशन में कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये पैटर्न बना लिया है और अब मैं वाइट एक्रीलिक कलर से इन सारे पैटर्न्स को फिल कर ले रही हूँ। और पता नहीं आपको ये देखने में लग रहा है कि नहीं, लेकिन पेंट करते टाइम मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग फील हो रहा था और ये कलर कॉम्बिनेशन देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने ब्लू कलर की बजाय इसको येलो कलर के साथ किया, तो मुझे नहीं पता था कैसा लगेगा, बट इसका जो एंड रिज़ल्ट था वो काफ़ी अच्छा लगा। अब बीच में मैंने यहाँ पे एक ऐसा फ्लावर जैसा शेप बना लिया और इसको मैंने बस आउटलाइन कर दी, इसको पूरा फिल नहीं किया, और ये जो पैटर्न्स हमने बनाए थे इसको भी मैंने आउटलाइन दे दी। और ये सारा काम मैंने 00 साइज़ के ब्रश से किया और पूरा कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था। अब इसको थोड़ा और फिनिशिंग लुक देने के लिए मैंने इसके साइड्स में गोल्डन कलर अप्लाई किया और इन पैटर्न्स के बीच में भी मैंने कुछ इस तरीके का शेप बना के इसको कंप्लीट कर लिया। चलते हैं हमारी लास्ट प्लेट की तरफ। तो यहाँ पे मैं इसके साइड में कुछ छोटे बड़े सर्कल्स बना के ड्रॉ कर ले रही हूँ और ऐसा एक पैटर्न मैंने बना लिया है, और अब हम इस पैटर्न को फिल करेंगे। तो काफ़ी टाइम से मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने इतनी जो भी चीज़ें बनाई हैं मैंने कभी कोई चीज़ रेड कलर में पेंट नहीं की है, तो मैंने सोचा कि चलो आज फाइनली मैं कुछ रेड कलर का भी बना लेती हूँ। तो इसको मैंने पहले रेड कलर से पेंट किया और कुछ सेक्शंस को मैंने रेड में थोड़ा सा येलो मिलाया और उसको पेंट कर दिया। तो इतना पेंट करने के बाद मैंने सोचा अब इतना तो हो गया, अब आगे क्या करूं, क्योंकि मैंने पहले से नहीं सोचा था कि मैं इसके अंदर क्या बनाऊंगी। तो मैंने बस ऐसे इस पर फ्री हैंड कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट किया और जो भी मेरे दिमाग में आता जा रहा था मैं यहाँ पर बस फ्री हैंड ड्रॉ करते जा रही थी। अगेन मैंने 00 साइज़ का ही ब्रश यूज़ किया है, और आज मैं ये बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि हर वीडियो में आप लोग ये ज़रूर पूछते हो कि मैंने कौन से साइज़ का ब्रश लिया है। तो आप किसी भी साइज़ का ब्रश ले सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। मैं तो जो भी मुझे मिलता है उसको यूज़ करके बना लेती हूँ, बस जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो 00 या 000 साइज़ के ब्रश को यूज़ करके बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की कुछ ड्राॅइंग बना ली है और बीच में भी मैं कुछ थोड़ा बहुत पैटर्न्स बना ले रही हूँ, और कुछ इस तरीके से मैंने इस पूरी पेंटिंग को कंप्लीट कर लिया। अब अगेन हम अपने गोल्डन मार्कर को यूज़ करते हुए इसे फाइनल टच दे देंगे और हमारी लास्ट प्लेट भी इस तरह से कंप्लीट होती है। बट अभी वीडियो बाकी है क्योंकि हमें इसका स्टैंड भी बनाना है, तो आप अभी वीडियो में बने रहिए। तो स्टैंड बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड पीस लिया है और उस पर कुछ इस डायमेंशन का शेप ड्रॉ कर लिया है। सारी डायमेंशंस मैंने मेंशन कर दी हैं और अब मैं इसे कट कर लूँगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो प्लेट है उसका क्या साइज़ है, आप उसी हिसाब से इसको कट कीजिएगा। तो इस साइज़ के मैंने दो पीसेस कट किए हैं और इन्हें आपस में स्टिक कर लिया है जिससे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अब मुझे इसका शेप थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा था तो मैंने इस वाले कॉर्नर को यहाँ से कट करके निकाल दिया।
अब इस तरह का एक और पीस मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा था। अब हम इन दोनों पीस को ले लेंगे और इन्हें आपस में जोड़ने के लिए मैं न्यूज़पेपर का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर का इस तरह से रोल बना लिया है और अब इन दोनों पीसेस के साइड में मैं ग्लू लगा के इसे इस रोल की हेल्प से यहाँ पे स्टिक कर दे रही हूँ। तो हमें इन दोनों कार्डबोर्ड पीसेस को लगभग 90 डिग्री के एंगल पे रख के स्टिक करना है और अब इसके जो भी रफ़ एंड्स हैं वहाँ पे मैं मास्किंग टेप लगा दे रही हूँ, जिससे कि ये इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े स्मूथ दिखाई दें। और अच्छे से मैंने इसको मास्किंग टेप से कवर कर लिया है और बीच में भी मैंने यहाँ पर एक पेपर का रोल स्टिक कर दिया है। और अब यहाँ पर गाने भी बज रहे हैं, मतलब सब कुछ इसी टाइम होना होता है। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट फिर भी अगर सुनाई दे रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा। अब मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी में थोड़ा सा पानी और फेविकॉल मिक्स कर लिया है और उसके पेस्ट को मैंने इस पीस के ऊपर अप्लाई कर दिया और ड्राई होने के बाद मैं इसे सैंड पेपर से थोड़ी सी सैंडिंग कर लूँगी, जिससे कि जो इसकी सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। तो कुछ इस तरीके से ये मैंने इसको स्मूदन आउट कर लिया है। अब बारी है इसको पेंट करने की। तो पेंट करने के लिए मैं यहाँ पे स्प्रे पेंट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो एक्रीलिक कलर्स का ही यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा स्टैंड बनके तैयार है, बिल्कुल मेटेलिक लुक दे रहा है और जो हमने ट्रेडिशनल प्लेट्स बनाई हैं उसके साथ ये काफ़ी अच्छा दिख रहा था। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।